Hi friends, this is Shikha Singh. This video is on IPC 1860. In this video, we are going to discuss very important questions for the Uttarakhand PCSJ. This video is a consolidated video, and as you know, I am making the full-fledged content video of IPC. So in the description box, I will give you the link so that you can watch that video also. But this is only for the उत्तराखंड PCSJ, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. सो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो हम है इन्फोर्समेंट, विच इज़ रिलेटेड टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द IPC. दैट इज जो हमारा एक्ट की जो डेट है वो है 1860, बट दिस केम इन टू फोर्स ऑन 1 January 1862. सेकेंड क्वेश्चन इज हु गेव द ड्राफ्ट ऑफ दिस IPC. द लॉर्ड मैक्यूले गिव द ड्राफ्ट ऑफ द IPC. This is the second question. Then we are switching over to the mens iria part, that is intention part. The word mens iria is not used in India. This is used in England, but this means intention. That means this is one of the element of the crime. And there are the case related to it. That is R versus Prince, R versus Tolson, Siraj versus De Rutzer. These are the case related to the mens iria. And next, the question is asked, which of the following is related to the mens iria, which of the following is not related to the mens iria. So in this particular option, they will give you the fourth option, that is Birendra Kumar Ghosh versus Emperor. This is not related to mens iria, so you have to take this option. Next, we are talking about the first we will discuss the case law. The transgender that means ki jo third gender hai वो किस केस लॉ से इंट्रोड्यूस किया गया था. वो इंट्रोड्यूस किया था नलसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से. दैट इज़ कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का ऑप्शन दिया जाएगा, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम डेफिनेशन क्लॉज पे जाएंगे. डेफिनेशन क्लॉज जैसा कि IPC में जो चैप्टर है वो 1 है, इंट्रोडक्शन की बात करता है. चैप्टर 2 जो आपकी बात करता है वो इंट्रोडक्शन की बात करता है. उसमें आपका जो डेफिनेशंस है वो दिए हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि क्लॉज 2 में ABCD है जैसा कि CRPC में है, वैसा यहाँ नहीं है. यहाँ पे आपका एक एक सेक्शन एक एक वर्ड को डिफाइन करता है. जो पहला सेक्शन है वो है आपका 21. बहुत बार पूछा गया है कि हु आर पब्लिक सर्वेंट एंड हु आर नॉट पब्लिक सर्वेंट. तो जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है डिटेल में कि कौन पब्लिक सर्वेंट है कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बट मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ इस वीडियो में कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होते हैं. CM, PM, MP ये सब होते हैं पब्लिक सर्वेंट. कौन नहीं होता है, MLA इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी सेक्रेटरी है तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है. ये आपसे ऑप्शन में पूछते हैं कि हु इज़ पब्लिक सर्वेंट, हु इज़ पब्लिक नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं सेक्शन पूछते हैं, 21 पब्लिक सर्वेंट डिफाइन करता है. बाद में कभी कभी ये सेक्शन पूछे जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी 22 में है, फॉल्यूटेंट है आपका 25 में, 24 में डिसऑनेस्ट है, फिर आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है 30 में, 40 में आपका डिफाइन करता है वो ऑफेंस इंजरी, 44 में डिफाइन करता है लोकल लॉ आपका, 42 में डिफाइन करता है. तो वो आपका पूछते हैं बोलते हैं कि लोकल लॉ का क्या मतलब होता है, तो वो चार ऑप्शन देते हैं आपका. तो लोकल लॉ का मतलब है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि जो भी लोकल लॉ है, जैसे कि आप अगर यूपी स्टेट के हैं तो यूपी का लोकल लॉ पढ़ेंगे, तो वो उस जो एरिया का है तो उस पर्टिकुलर एरिया में यूपी का लॉ अप्लाई होगा. उत्तराखंड में जाएंगे उत्तराखंड का लोकल लॉ अप्लाई होगा, राजस्थान का राजस्थान में अप्लाई होगा. तो ये है लोकल लॉ का मतलब पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडिया. ये ऑप्शन में आपके होगा तो आपको वही टिक करना है. देन गुड फेथ की बात करते हैं. गुड फेथ 52 में डिफाइन किया गया है. फिर आपसे पूछते हैं कि गुड फेथ में कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व हैं, किस किस सेक्शन में दिया है. तो जब मैं चैप्टर 4 में आपका डिस्कस कर रही थी, जब मैंने आपका चैप्टर 4 डिस्कस किया था एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शंस वाले, तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि गुड फेथ किस सेक्शन में है या किस सेक्शन में नहीं है. तो 89 में गुड फेथ वर्ड है वो दिया है, 92 में दिया है, 93 में दिया है. तो आपसे ये ऑप्शन पूछेंगे कि किस में नहीं दिया है, वो ऑप्शन 90, 91 ऐसा भी दे देंगे. तो आपको 90 या 91 टिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि 89, 92, 93 में गुड फेथ जो है वो आपका लिखा हुआ दिया हुआ है, वर्ड मेंशन है गुड फेथ. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हार्बर किस में दिया है, 52A में दिया है. फिर पनिशमेंट पे हम आते हैं. पनिशमेंट जो चैप्टर है वो आपका है चैप्टर 3, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. उसमें आपको कितने तरीके की पनिशमेंट दी हुई है, तो उसमें आपकी 5 तरीके की पनिशमेंट है एट प्रेजेंट. पहले जो था वो आपका 6 तरीके की पनिशमेंट थी,
जिसमें कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक तरीके का पनिशमेंट होता था, बट अब वो पनिशमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आपका ये बता दिया कि पनिशमेंट है, फिर आपका पूछेंगे कि अमाउंट ऑफ फाइन किस में है, 63 में है। फिर अगर एक्सक्लूसिवली अगर कोई भी चीज़ फ़ाइन से रिलेटेड है तो वो किस सेक्शन में है, वो 67 में है। वैसे ये उत्तराखंड में बहुत बार नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, तो हम लोग अब डायरेक्टली 73 की बात करते हैं। 73 में कंसोलिडेटेड कन्फाइनमेंट की बात की, कंसोलिडेटेड कन्फाइनमेंट या पनिशमेंट की बात की, जिसमें बोला गया है कि जो आपका जो पनिशमेंट है वो एक बार में कितनी, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट कंसोलिडेट कितनी दी जाती है, तो वो 3 महीने की दी जाती है। एट अ टाइम पूछेंगे कि कितने महीने की या डेज की दी जाती है, तो वैसे डेज में दी जाती है 14 डेज एट अ टाइम। दैट मीन्स कि आपका ये अगर कंसोलिडेटेड कंसोलिडरी आपको कन्फाइनमेंट मिलेगा तो वो आपको मिलेगा 3 महीने मैक्सिमम 14 डेज एट अ टाइम। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का जो सेक्शन है वो 96 से शुरू होता है और 106 तक है। तो ये याद करने में बहुत आसान होगा क्योंकि 96 से 106 है, दोनों के लास्ट में 66 है, तो ये प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। फिर 76 में जो बात करता है वो आपकी एक मैगजीन की बात करता है कि इग्नोरेंटिया फैक्टस एक्सक्यूजेड। इसका मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अलाउड इन लॉ, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अलाउड। दैट मीन्स कि अगर कोई कहता है कि हमें ये मालूम नहीं था कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये लॉ अप्लाई होता है, ये RPC में ये सेक्शन है करते हैं, तो वो एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपसे कोई फैक्ट मिस हो गया है तो वो कोर्ट बाद में कंसिडर कर सकती है। दिस इज़ सेक्शन 76। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 78। अगर आपको डिटेल में ये वीडियो चाहिए एक्सेप्शन का, तो वो मैंने पहले बना रखा है, बट मैं इसमें केवल वही सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ जो UK उत्तराखंड PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS के लिए। तो यहाँ पे जो हैंगमैन की बार बार बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि हैंगमैन और एग्जीक्यूटर को कहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है, तो वो 78 में एग्जेम्पशन मिलता है। कोई भी ऐसा पर्सन हु इज़ फॉलोइंग द रूल ऑफ द कोर्ट और हु इज़ फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, he or she is exempted under section 78. Next we are talking about section 82. 82 is talking about Dolly in capex. Dolly in capex means the person who is below the age of 7. That means ki a person, a child who is below the age of 7, if he does anything that is exempted under chapter 4, or he is not given any punishment. Section 84 is talking about insanity. का जो लीडिंग केस है दैट इज़ एम नॉक्टन केस, ये मैथ्स दी फॉलोइंग में बहुत बार आया है। 81 इज टॉकिंग अबाउट नेसेसिटी, 80 इज टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट। तो नेसेसिटी का जो केस है वो है आपका आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफन, ये मैथ्स दी फॉलोइंग में आपका आया है, बहुत बार आया है। फिर 85 86 इज टॉकिंग अबाउट, 85 इज टॉकिंग अबाउट आपका इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन। दैट मीन्स आपके विल के अगेंस्ट आपको किसी ने कुछ ड्रिंक दिया है, ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आप कोई भी चीज़ जो कर रहे हैं, कोई भी काम जो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉन्शियस, यू आर नॉट डूइंग कॉन्शियसली, तो आपका 85 है। अगर आपने कॉन्शियसली कोई चीज़ कंज्यूम किया है तो आपका कोई भी एक्ट एग्जेम्प्टेड नहीं होगा IPC में, वो 86 बताता है। और जो इसमें जो लीडिंग केस लॉ है वो DPP वर्सेज बियर्ड का है, जो 85 का केस लॉ है लीडिंग, 85 इज इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, दैट इज़ DPP वर्सेज बियर का जो केस है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट विच इज़ नॉट फ्री, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 90। सेक्शन 100 इज टॉकिंग अबाउट प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी। मीन्स कि अ पर्सन हैव अ प्राइवेट डिफेंस, दैट अ पर्सन कैन इवन कॉज अ डेथ ऑफ अनदर पर्सन हु इज़ डूइंग ऑल ऑफ दीज एक्ट अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट इज रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, ग्रीवियस हर्ट। अगर ये सारी चीज़ कोई कर रहा है तो दैट इज़ एग्जेम्प्टेड। और बट इसमें आपका एक जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है अबडक्शन, अगर आपके अगेंस्ट कोई करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कोई करता है। तो ये एग्जाम्पल में आपको देते हैं कि विच इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पर्सन के नॉट कॉज अ डेथ ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज़ आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में, अबडक्शन में वो नहीं कर सकता, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों में है। फिर नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी को आप अगर प्रोटेक्ट करते हुए किसी का डेथ कॉज करते हैं तो कहाँ तक आपको एग्जेम्प्शन मिलेगा। तो वो चार केसेस हैं आपका, अगर मिस्चीफ बाय फायर है, या रॉबरी है, या हाउस ब्रेकिंग एट नाइट है,
और उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका मिसचीफ, थेफ्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बात करता है. बट यहाँ पे आप हमें ये देखना है कि अगर रीजनेबल नहीं है वहाँ पर जो वर्ड है रीजनेबल, अगर वो मिसिंग हो जाता है तो वी कांट कॉज डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इफ़ ही हैज़ एंटर्ड इनटू आवर हाउस फॉर डूइंग अ थेफ्ट और मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, वी कांट कॉज डेथ. तो ये ऑप्शन में हमेशा आता है कि थेफ्ट में हम डेथ कॉज कर सकते हैं अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन अंडर 103. तो हम थेफ्ट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, रॉबरी के अगेंस्ट कर सकते हैं, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट के अगेंस्ट कर सकते हैं, मिसचीव बाय फायर के अगेंस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर स्विचिंग टू वर्ड्स द सेक्शन 107 विच इज़ टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट. अबेटमेंट तीन तरीके की होती है जो हमारी आईपीसी में मेंशन है, दैट इज़ बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एड. यहाँ पे जो बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है यूके जुडिशरी में, वो ये पूछा गया है कि सब क्लॉज 1 में क्या मेंशन है, 2 में क्या मेंशन है, 3 में क्या मेंशन है, ये मैच द फॉलोइंग के भी फॉर्म में आया है. तो सब क्लॉज जो 1 बात करता है, 107 सब क्लॉज 1, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट इंस्टिगेशन. 107 सब क्लॉज 2 इज़ टॉकिंग अबाउट कॉन्स्पिरेसी. 107 सब क्लॉज 3 इज़ टॉकिंग अबाउट बाय एड. 108 इज़ टॉकिंग अबाउट अबेटर. अबेटर में आपका पांच तरीके की पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं, जिसमें कि आपको जो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत बार बार पूछे गए हैं कि अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज़ ऑल्सो अबेटमेंट. जैसे कि आपको एग्जांपल देंगे, वहाँ पे एग्जांपल मेंशन भी है, आप अगर बैरेट खोलेंगे अपना, कि अगर ए ने इंस्टिगेट किया बी को मर्डर करने का, डी का, फिर डी ने सी को इंस्टिगेट किया डी का मर्डर करने के लिए, तो दैट मीन्स ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, और अल्टीमेटली जो सी है वो डी का जाके मर्डर कर रहा है. तो इसमें जो तीनों लोग इन्वॉल्व हैं वो सब लोग आपके अबेटर हैं. और फिफ्थ जो आपकी बात करता है वो बात कर रहा है कि जो जो अबेटर है और प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर है वो कभी नहीं भी मिले हैं तो भी जो अबेटर है उसको वो सज़ा मिलेगी. और जो थर्ड में बात करता है वो ये बात करता है कि अगर आपने किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, फॉर एग्जांपल आपने किसी के मर्डर के लिए अबेटमेंट किया है, बट वो मर्डर नहीं भी किया उस आदमी ने, आपने ए को बोला कि गो एंड किल सी, तो ए अगर नहीं भी जा रहा है तो भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे, और अगर वो मना कर दे रहा है मर्डर करने से तो भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे. फिर जो चैप्टर 5A है वो बात करता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. इसमें दो सेक्शन है, 1020A एंड 1020AB. इसमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसमें जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है वो एक पूछा है कि नासिक कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू विच केस. तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो वहाँ विनायक दामोदर का जो केस है वो इसका पूरा नाम है, विनायक दामोदर केस, जो उसको नासिक कॉन्स्पिरेसी के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है. नेक्स्ट जो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी में, जब मैं एलिमेंट ऑफ क्राइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि इंटेंशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, अटेम्प्ट के लिए कब आपको सज़ा मिलेगी और कब नहीं. तो मोस्ट ऑफ द जो ऑफेंसेस हैं आईपीसी में वो कभी भी आपको या तो वो अटेम्प्ट के लिए सज़ा देती हैं या तो वो आपको देती हैं सज़ा जब कमीशन हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का. तो बट कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं आईपीसी में जिसमें प्रिपरेशन के ही दौरान आपको सज़ा मिलती है, दैट इज सेक्शन 122, सेक्शन 126, 399. ये ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए भी सज़ा मिलती है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेडिशन, वो आप सब लोग जानते हैं, 124A जो कन्हैया कुमार के केस से बहुत फेमस हुआ था, सेक्शन 124A सेडिशन. तो सेडिशन का जो केस है वहाँ पे एक आपसे पूछेंगे कि ऑप्शन देंगे कि फेडरल कोर्ट का कौन सा डिसीजन है, तो फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन है उसका नाम है निहारंदु दत्त वर्सेस एम्परर. ये फेडरल कोर्ट का केस है, ये उत्तराखंड जुडिशरी में बहुत बार पूछा गया है. फिर जो सेक्शन है 141, अनलॉफुल असेंबली. अनलॉफुल असेंबली में हमेशा मोर देन 5 लोग होते हैं, और इसमें 5 पॉइंट भी दिए हैं, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी कितने लोग होते हैं, कितने पॉइंट हैं, वो सिमिलर है. 5 मोर देन 5 लोग आर मोर देन 5 पीपल आर इंक्लूडेड इन दी अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141, एंड 5 पॉइंट्स आर गिवन अंडर दिस. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन चैप्टर 7. ये आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया है कई बार कि सेक्शन 7 किससे रिलेटेड है, या पूछा गया है कि सेक्शन 131 से 140 किससे रिलेटेड है. तो ये है ऑफेंस अगेंस्ट द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स.
ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है. फिर आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 154. तो वाइकेरियस लाइबिलिटी पूछेंगे किससे रिलेटेड है सेक्शन 154 किससे रिलेटेड है वाइकेरियस लाइबिलिटी. फिर अफ्रे पे आते हैं 159 is talking about affray. In this two or more person are included in the public area if the any person is fighting, तो आपका वहाँ पे अफ्रे लगता है. 160 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है. फिर हम 177 की बात करते हैं, फर्निशिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन. और सेक्शन 191 इज टॉकिंग अबाउट गिविंग अ फॉल्स एविडेंस. 201 इज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग एन एविडेंस दैट इज कॉजिंग एन डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस. जैसे कि सबूत मिटाने का जो काम होता है लास्ट में, वो आपको उसकी सज़ा किस सेक्शन में दी जाएगी, 201 में दी जाएगी. 231 इज काउंटरफिटिंग कॉइन. तो इसमें आपको पूछेंगे क्या कॉइन है या क्या नहीं है. जो फरुखाबाद रुपी है वो कॉइन है, कंपनीज जो कॉइन है वो कॉइन के उसमें आता है डेफिनेशन में. बट जो अनस्टैम्प जो पेपर है वो अनस्टैम्प पेपर नहीं आता, कॉडीज नहीं आता. ये चार एग्जांपल दिए हुए उसके नीचे. फिर जो मैं ये सेक्शंस बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं और ये सारे ऐसे सेक्शन हैं जो हम लोग कभी ना कभी बैरेट में देखना भूल जाते हैं. 177, 191, 201, 231, 228A. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 228A आपका कह रहा है कि रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम. अगर आप किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी, जैसे कि आपको जो हमारा केस था निर्भया केस, तो निर्भया जो केस था उससे हमें ये पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसका नाम निर्भया नहीं था, उसकी हमने आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखा है. वो अगर आप उसको आप वॉयलेट करते हैं, अगर आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी 228A IPC में. अब जब हम निर्भया केस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें ये भी हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 2, जब हम 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 में सर्टेन अमेंडमेंट्स किए गए थे IPC में, और वो कुछ सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उत्तराखंड PCSJ में बहुत बार पूछे गए हैं कि किस किस सेक्शन में अमेंडमेंट आया है 2013 से. तो वो सेक्शन है 376A, 376B, 166A, 166B एंड 154C. इन सारे ये सारे ऐड हुए हैं 2013 से. और भी कुछ सेक्शंस हैं जो ऐड हुए हैं बट वो बहुत बार पूछा नहीं गया है, तो इसलिए मैं वही बता रही हूँ. फिर वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है 277. फिर आपको एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पूछते हैं 278. उसके बाद आपका पूछते हैं रैश ड्राइविंग एंड नेग्लिजेंस से रिलेटेड 279. उसके बाद पब्लिक न्यूसेंस 268. पब्लिक न्यूसेंस का हमेशा पनिशमेंट पूछा जाता है कि किस सेक्शन में दिया है, 290 में दिया गया है. उसके बाद जो केसेस हैं रिलेटेड टू आपका मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड इज डिफाइंड इन 299. ये आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, मर्डर भी कोई नहीं पूछेगा कि 300 में डिफाइन है. बट ये आपसे ये पूछेंगे कि केस लॉ विच डिफरेंशिएट बिटवीन द 299 एंड 300, दैट इज AP वर्सेस R पुनैया का केस है. नेक्स्ट है आपका R वर्सेस गोविंदा का भी केस है. इन दोनों में डिफरेंशिएट आपका किया गया है 299 एंड 300 को. 303 बहुत बार पूछा गया है कि किस केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है इस सेक्शन को. तो इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल 303 को किया गया है मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से. फिर आपसे डाउरी से रिलेटेड पूछते हैं कि डाउरी दत्त किस में है, 306B में है. फिर आपसे पूछेंगे कि अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड किस में है, 309 में है. फिर आपसे पूछेंगे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किस में है, 306 में. इसको याद करने का तरीका देखिए कि आपको अगर अबेटमेंट और अटेम्प्ट में डिफरेंस करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है 15 वो रिलेटेड टू आपका ह्यूमन बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है. तो इसमें जो है वो सब कुछ एक लाइन से दिया हुआ है. तो आप अगर अबेटमेंट को देखेंगे तो अबेटमेंट ऊपर दिया हुआ है. सबको पता है कि 307 जो सेक्शन है वो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड है. तो आप ये याद रखिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 है, 308, 309 ये सब अटेम्प्ट से रिलेटेड है. तो 308 जो है वो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड है, 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड है. उसके बाद हम लोग ये सारे ख़त्म होते हैं. फिर हमारा
301 मैंने बीच में छोड़ा है, 301 इज आपका ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस कहाँ पे है। फिर ग्रीवियस हर्ट की बात होती है 320, ग्रीवियस हर्ट में 8 पॉइंट दिए हैं आपको, फिर उसमें आपका पहला पॉइंट है इमेस्कुएशन, फिर आई का किसी ने परमानेंट डैमेज कर दिया, ईयर का किसी ने परमानेंट डैमेज कर दिया, कोई जॉइंट्स आपके परमानेंट डैमेज हो गए, या डिस्ट्रक्शन ऑफ दी एनी आपके किसी भी जॉइंट का पार्ट चला गया है, कम्प्लीटली डैमेज हो गया है, हेड या फेस को इंक्लूड हुआ है, या फिर बोन या टीथ किसी ने तोड़ दिया है तो डिसलोकेट कर दिया है तो वो भी इंक्लूड होगा। या लास्ट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कितने डेज के लिए आपको इनकेपेबल अगर कोई कर दे तो आप इंक्लूडेड होता है वो ग्रीवियस हर्ट में, दैट इज़ इंक्लूडेड इन सेक्शन 20, सॉरी सेकंड नॉट सेक्शन 20, दैट इज सेक्शन 320, बट 20 डेज आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 320 इज ए ग्रीवियस हर्ट एंड 20 डेज आपको कोई भी इनकेपेबल कर सकता है आपका ऑर्डिनरी डेज वर्क करने के लिए, तो आप उसमें आपका ग्रीवियस हर्ट होगा। तो ये बहुत बार ऑप्शन देते हैं कि 15 डेज या 20 डेज, तो 20 डेज इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 326 बी इज टॉकिंग अबाउट वॉलेंट्रली और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, तो बी में है ये 326 बी में। फिर 351 इज टॉकिंग अबाउट असॉल्ट, असॉल्ट में आपका हमेशा जेस्चर होना चाहिए या प्रिपरेशन होना चाहिए। 350 इज टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल फोर्स, 351 इज असॉल्ट। 350 क्रिमिनल फोर्स में आपके बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि अगर किसी ने स्पिट कर दिया, किसी ने वेल आपका उठा दिया, किसी ने गर्म पानी नहाते समय डाल दिया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और ये आपको एग्जाम्पल देखना है क्योंकि बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, या किसी ने कट कर दिया है ब्लेड से, डीप कट आ गया है तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट में जाता है कट वाला। और यहाँ पे 50 में आपका वेल, स्पिट और ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर 352 इज़ टॉकिंग अबाउट आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, ये बहुत कॉमन है बट बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। फिर इसमें ए बी सी डी चार चीज़ें ऐड हुई हैं, तो इसमें जो ए है वो सेक्सुअल हरासमेंट, बी इज़ आपका डिस्रोबिंग, सी वॉयरिज्म और डी इज़ आपका स्टॉकिंग या स्टेयरिंग। तो 354 ए बी सी डी ये है आपका, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको लर्न करना होगा क्योंकि मैथ दी फॉलोइंग के में पूछ लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो नेक्स्ट वे आर स्विचिंग टू द किडनैपिंग, किडनैपिंग की सेक्शन 359, किडनैपिंग के लिए तीन सेक्शन दिए हैं आईपीसी में, 359, 360, 361। 359 कहता है कि दो तरीके की किडनैपिंग होती है, तो उसमें 360 एंड 361 इंक्लूडेड है, जिसमें कि कहा है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम दी लॉफुल गार्जियनशिप 361। तो इसमें कहा गया है कि जो किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो किसके अगेंस्ट होता है, किडनैपिंग का जो ऑफेंस होता है वो हमेशा गार्जियन के अगेंस्ट होता है। फिर इसमें जो 359 है उसमें आपको एज बताई गई है कि कितना एज होता है, तो जो मेल का अगर एज है तो वो 16 ईयर्स है, और फीमेल का अगर कोई एज है तो वो 18 ईयर्स है, और अगर जो इसकी पनिशमेंट अगर पूछते हैं तो 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होती है। नेक्स्ट जो किडनैपिंग का जो केस है इससे एक लीडिंग केस भी आता है, निकल के आता है एस वर्धराजन वर्सेस स्टेट, ये आपका है केस रिलेटेड टू द किडनैपिंग। और उसके बाद अबडक्शन है 362, अबडक्शन की बात करता है, तो अबडक्शन जो है वो कंटिन्यूस ऑफेंस है। 364 इज टॉकिंग अबाउट किडनैपिंग बाय रैनसम, तो इसमें आपकी जो सज़ा है वो डेथ की होती है, क्योंकि किसी को किडनैप करके पैसे मांगना इज़ नॉट लीगल, तो यहाँ पे आपको डेथ और इम्प्रिजनमेंट की देते हैं। तो ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है कि पनिशमेंट क्या होती है इसकी, वहाँ 14 ईयर, 18 ईयर, 20 ईयर ऐसे देते हैं, और लास्ट में डेथ इम्प्रिजनमेंट भी देते हैं, तो डेथ इम्प्रिजनमेंट इसका फाइनल आंसर है। 366 इज टॉकिंग अबाउट कि किसी वुमेन को आपने किडनैप किया है फॉर द मैरिज पर्पस। 366 बी इज टॉकिंग अबाउट गर्ल को किसी गर्ल को इंपोर्ट किया है फॉरेन कंट्री से, तो वो 21 ईयर्स ऑफ एज तक से हो मतलब तक की हो सकती है। फिर आपने अगर प्रोक्रियोशन ऑफ गर्ल्स है तो 366 ए में है, ये 18 ईयर ऑफ एज में है। तो ये सारे जो सेक्शन हैं ये कुछ सेक्शन हैं, उसके बाद जो हमने बहुत हमने 2013 का अमेंडमेंट डिस्कस कर लिया है, फिर थेप्ट से रिलेटेड, थेप्ट सबको पता है कि 378 में थेप्ट डिफाइंड है, तो थेप्ट के आप सारे एग्जांपल देख लीजिएगा, थेप्ट की जो पनिशमेंट है। फिर ड्वेलिंग हाउस 380 में बताया है कि ड्वेलिंग हाउस से अगर आप थेप्ट करते हैं, ड्वेलिंग हाउस मतलब जहाँ आप रहते हैं, तो उस हाउस से अगर कोई भी चीज़ थेप्ट होती है तो उसकी क्या पनिशमेंट होती है, उसकी ज़्यादा पनिशमेंट होती है। फिर 83 में आपके एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, 390 इज़ टॉकिंग अबाउट आपका रॉबरी, रॉबरी के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
फिर उसके बाद आपका 391 है डकैती। मैं इस वीडियो में कोई भी एग्जांपल्स नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वो आप डायरेक्टली जाके वहाँ देख सकते हैं, या अगर आपको बहुत डिटेल में जाना होगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं। मैं यहाँ इस आपको केवल सेक्शन बता रही हूँ क्योंकि केवल एक हफ्ते बाकी हैं पेपर में, तो आप केवल सेक्शन देख सकते हैं। और फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे गए हैं उत्तराखंड PCJ में। 2403 इज टॉकिंग अबाउट मिस अप्रोप्रिएशन, 405 इज टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर उसके बाद हम एक केस लॉ पूछा जाता है, अभ्यानंद मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ये किससे रिलेटेड है, वो सेक्शन आपका पूछा जाता है। तो वो सेक्शन जो रिलेटेड है वो आपका पूछा दिया है, उसमें ऑप्शन में दिया जाता है 420 प्लस 511, तो आपका ऑप्शन यही होगा 420 प्लस 511, दैट इज़ रिलेटेड, दिस केस इज़ रिलेटेड टू दी आपका अटेम्प्ट, जो आपका एलिमेंट ऑफ क्राइम है। फिर मिसचीफ की बात करते हैं, 425 मिसचीफ मैनिंग, मतलब छोटे एनिमल को मारना, 10 रुपी के तक के एनिमल को जो 10 रुपए के आते हैं या जो 50 रुपए के आते हैं, ये 249 में ये है, ये उत्तराखंड में बहुत पूछा गया है। 441 इज टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में बहुत बार कन्फ्यूजन होती है। क्रिमिनल ट्रेसपास जो है वो 441 में दिया है, और जो हाउस ट्रेसपास है वो 445 में दिया है। तो 445 इज टॉकिंग अबाउट हाउस ट्रेसपास, तो आपका अगर नॉट हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, तो हाउस ब्रेकिंग मतलब कोई विंडो तोड़ के आया, कोई दरवाज़ा तोड़ के आया, कोई ड्रिल करके कोई एरिया आ गया, तो वो आपका हाउस ब्रेकिंग में आता है, जो 445 में गिवन है। 491 जो सेक्शन है वो बहुत ऐसा सेक्शन है जो हम लोग हमेशा देखते नहीं हैं, तो 491 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा है कि आपने अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका आपने ब्रीच कर दिया, कि आपने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपने वो नहीं किया, तो यहाँ पे आपको एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं मिलता, यहाँ आपको ओमिशन के लिए पनिशमेंट मिलता है, कि आपने ओमिट किया, यू हैव प्रॉमिस्ड दैट यू विल डू द पर्टिकुलर टास्क एंड यू हैव ओमिट टू परफॉर्म दैट टास्क, इन दैट केस सेक्शन 391 प्रोवाइड द पनिशमेंट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बाइगमी, 494 बाइगमी में मेंसीरिया इन्वॉल्व नहीं होता है, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बाइगमी में मेंसीरिया इन्वॉल्व है या नहीं है, तो नहीं होता इन्वॉल्व। और उसके बाद अडल्ट्री का सेक्शन, जैसे कि आप अभी जोसेफ श्राइन वाला केस जानते हैं रिसेंटली, तो इसमें अडल्ट्री जो सेक्शन है वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 497 है। अडल्ट्री हमेशा ये पूछा जाता है कि अडल्ट्री किसके अगेंस्ट होती है, तो अडल्ट्री का जो ऑफेंस है वो हमेशा हस्बैंड के अगेंस्ट होती है और हमेशा मैरिड वुमेन के थ्रू होती है। तो नेक्स्ट क्रुएल्टी का पूछा गया कि विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द क्रुएल्टी, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ जो ऑप्शन राइट होगा वो 489A होगा। नेक्स्ट डिफेमेशन से रिलेटेड 499 सेक्शन है, डिफेमेशन में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो 10 एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो आपसे कभी नहीं पूछते कि कौन से एक्सप्लेनेशन है, बट हाँ ये पूछते हैं कि कितने एक्सप्लेनेशन है, 10 एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे, और जो इसका पनिशमेंट है वो 500 में दिया गया है। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर बीन आस्क रिपीटेडली आस्क इन द उत्तराखंड PCJ, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनी सब्जेक्ट और रिलेटेड टू द IPC, प्लीज डू कॉमेंट एंड आई विल रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।